फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक प्लेट आ गई है जो कि बिल्कुल डेड कंडीशन में, ना ही वोल्ट बना रही है और ना कुछ इसमें इम्पेयर वगैरह वो बन रहे हैं और ना ही वोल्ट वगैरह आ रहे हैं। और उसकी जो मैं जंक्शन बोर्ड जो पीछे बोर्ड पट्टी दी हुई होती है वो पीछे पट्टी भी इसकी जो है डेड कंडीशन में। तो आपने आपको मैं दिखा देता हूँ उसकी कंडीशन, इसकी देख सकते हैं ये वाला इसकी कंडीशन। इसके जो डायोड पट्टी है वो सारी इसमें जले हुए हैं, इसमें डायोड जो है निकले हुए हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये वाला इसका डायोड, ये वाला इसका डायोड, ये वाला सारे जो डायोड फटे हुए हैं। और अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे, सो देखेंगे कि इसके वोल्ट जो है बन रहे हैं कि नहीं। सो अभी हम इसके वोल्ट वगैरह चेक करेंगे। सो मीटर को मैं यहाँ रख देता हूँ, आज कोई रिकॉर्डिंग पकड़ने वाला कोई नहीं है मोबाइल। सो मैं मोबाइल को इस तरीके से इसको पकड़ कर यहाँ पर मीटर रख देता हूँ और अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है। सो मैंने प्लस में रखा और प्लस यहाँ पर और माइनस मैंने यहाँ पर रखा। सो अभी आप देख सकते हैं जो लोड है मीटर है वहाँ पर फोकस कीजिएगा। सो अभी देख सकते हैं 217 वोल्ट निकल रहे हैं, वोल्ट इसके सही आ रहे हैं, एम्पियर जो है वो नहीं बना रही। सो एम्पियर जो है इसमें एक एम्पियर भी नहीं बन रहा है। एम्पियर पर आपको मैं चेक करा देता हूँ, पहले इसको मैं धूप में रख देता हूँ, धूप में रखकर आपको चेक कराऊंगा। सो इस तरीके से मैंने इसको धूप में रख दी है। अभी मैं इसकी आपको वोल्ट चेक कराऊंगा, एम्पियर चेक कराऊंगा। सो एम्पियर चेक करने के लिए ये बारे में कनेक्शन में दोनों मिलाऊंगा और यहाँ से अब मैं एम्पियर चेक करेंगे कि वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। मैंने इसको प्लेट को, सो फिर भी ये वोल्ट जो नहीं बता रही, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने मीटर को यहाँ, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके डायोड जो है सारे निकाल लेंगे। सो निकालने का तरीका आसान है, इसमें जैक दिए हुए। सो इसकी जो ये वाला इसको क्लिप है उसको हम खोलना पड़ेगा और डायोड जो आसानी से निकल आएगा। सो ये इस तरीके से डायोड निकलता, ठीक है। इसके जो फेस होते हैं वो थोड़ा थोड़ा खोलना पड़ेगा। सो इसकी वजह से ये जो डायोड फंसे हुए हैं इसके, दूसरी मरतबा जब हम लगाएंगे तो ये इसी तरीके से नहीं लगाएंगे, हम टांके लगा देंगे इसके अंदर, फ्रंट लगा देंगे। वो ये ऐसे नहीं खोलेंगे, ऐसा करना पड़ेगा हमें, ये वाले जो डायोड हैं उसको सारा निकालना पड़ेगा। सो इस तरीके से मैंने इसका जो जंक्शन बोर्ड है वो सारा निकाल लिया है, ठीक है। सो अभी हम इसको टेबल पर इसको रिपेयर कर देंगे। सही करेगा साथ साइड,
सो फाइनली फ्रेंड्स इसमें हमने ढाई फ्लेवर चेंज कर लिए। तो अभी हम इसके वोल्ट चेक करने लगे हैं धूप में लगा कर। तो अभी हम चेक करेंगे इसके वोल्ट वगैरह। फिर से पहले हम वोल्ट चेक करेंगे इसके सतोर मत कहीं। हमने रख दिया है मीटर को यहाँ पर और साथ साथ हमें इसके वोल्ट चेक करने लगे। सो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों 21 वोल्ट इसमें बन रहे हैं, ठीक है। और अभी हम इसके एम्पीयर भी चेक कर लेंगे। सो अभी हम इसके एम्पीयर भी चेक करने लगे। सो एम्पीयर को मैंने रख दिया है 40 वोल्ट और अभी हम इसके एम्पीयर चेक करेंगे। सो अभी ये एम्पीयर सेट हो गई।